बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ वसीम इन्फो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में प्यारे दोस्तों, हम आपसे जो ख़बर शेयर करेंगे वो 2020 और 21 की सबसे बड़ी खबर मेरे हिसाब से यही है, जिसका इंतज़ार जो है वो हमारे हज़ारों भाई जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो है वो इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो सऊदी हुकूमत ने जो है वो उनको एक खुशखबरी जो है वो दी है, वो आज आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। यहाँ पर ट्विटर देख सकते हैं, ये अखबार है वासल अखबार अल मलकिया, ठीक है जी। हम इसको जो है वो इंग्लिश में कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में आसानी हो। यहाँ पे देख सकते हैं, द एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ रेजिडेंस एग्जिट एंड रिटर्न वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा ऑटोमेटिकली विदाउट चार्ज इन द कंट्री फ्रॉम विच एंट्री इज सस्पेंडेड। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कहा है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी थी और वो पाकिस्तान, इंडिया में मौजूद थे, उन सब की वैलिडिटी को जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब कौन सी डेट तक किया जाएगा, ये थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 जून 2021 तक उनकी वैलिडिटी को जो है वो बिल्कुल विदाउट चार्जेज, यहाँ पर उन्होंने क्लियर कहा है कि विदाउट चार्जेज अगर किसी के एग्जिट री एंट्री या इकामा एक्सपायर हुए 10 महीने भी हो गए हैं तो उसको सऊदी हुकूमत बिल्कुल जो है वो विदाउट चार्जेस जो है वो उसको एक्सटेंड कर देगी, 2 जून 2021 तक जो है वो उसको कर देगी। अब यहाँ पे और भी देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वैलिडिटी ऑफ रेजिडेंस इकामा, उसके बाद एग्जिट एंड रिटर्न, एग्जिट री एंट्री जो होती है, उसके बाद जो है वो विजिटर के जो वीज़े होते हैं वो भी ऑटोमेटिक जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अब ये कब तक एक्सटेंड हो जाएंगे इसके बारे में उन्होंने जो है वो कंफर्म कोई डिटेल से नहीं बताया, तो जैसे ही कोई डिटेल आएगी हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बना देंगे प्यारे दोस्तों। अब सऊदी हुकूमत ने जो है वो इनको विदाउट जो है वो चार्जेस इसको एक्सटेंड करेंगे यहां पे अगेन आपको बता देता हूं 2 जून 2021 तक। अब ये तो क्लियर है प्यारे दोस्तों, मैंने पिछली भी वीडियो में आपको जो है वो इशारतन बताया था कि उम्मीद कर रहे हैं कि सऊदी हुकूमत जो है वो जल्द जो है, जिस तरह के क्वारंटाइन वाला सिलसिला इन्होंने जो है वो निकाला था, वजारत दाखिलिया ने भी ऐलान किया था और पाकिस्तान ने भी जो है वो उधर से वैक्सीन का जो है वो अनाउंसमेंट की थी कि 18 साल से ऊपर वाले जो है वो वैक्सीन वगैरह ले सकते हैं। तो आज की वीडियो वहाँ पर हमने जो है वो इशारतन जो है वो आप लोगों को बताया था, जिन लोगों ने वो वीडियो मेरी सुनी होगी। अब यहाँ पर इंशाल्लाह अब क्लियर है कि जो भाई हमारे सऊदी अरब, पाकिस्तान सऊदी अरब से बाहर हैं तो उनके जो है वो आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको जो है वो तफसील के साथ एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देंगे। जिन लोगों ने भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।